समुदाय की तरह आदिवासियों ने किसी भी सूरत में कभी भी किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया। आदिवासी अधिकार महारैली, इससे पहले मैं कोई भी महारैली या रैली में अटेंड करने का कोशिश भी नहीं किया। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस रैली को कवर करने के लिए वो है हमारे माननीय चंद्रलिंगा जी। ये रैली होने से पहले उन्होंने एक दिन पहले मुझे अपना घर बुलाया था और उनका घर का सिचुएशन देख के मुझे ये चीज़ फील हो गया कि कुछ तो सीरियस हो रहा है। वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर वाला फील नहीं आ रहा था, एज अ रेफ्यूजी फील आ रहा था, उसका बात अलग है। बट अगर कोई इतने बड़े इंसान आपको बोलते हैं कि हमारे वीडियो और हमारे रैली को कवर कर दो, तो आई हैव बीन वेरी वेरी ऑनर्ड। जो आदिवासी अधिकार महारैली थी वो इसलिए थी कि हमारे आदिवासियों को जागरूक करे, हमारे देशवासियों को जागरूक करे। कई बार इतिहास को साबित करने के लिए पुरुष से ज़्यादा बड़ा भूमिका निभाया है महिलाओं के द्वारा, और इसीलिए तुम सब इधर के जो आंदोलन करता रहे हैं, जिसका हम लोग पूजा भी करते हैं, सिंगी दई चंपू दई, महारानी लक्ष्मी बाई की तरह आदिवासियों ने किसी भी सूरत में कभी भी किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया। अपने को, अपना समाज को, अपना पृथ्वी को, अपना धरती को, अपना सारी चीजों को, हक अधिकार को बचाने के लिए आज ये मैं देख रहा हूँ। और क्योंकि पूरे भारत में, बस झारखंड में आदिवासी नहीं है, पूरे भारत में आदिवासी है एंड भारत के बाहर में भी आदिवासी हैं। ऐसे लोग हैं जो आदिवासी, नॉन आदिवासी होने के बाद भी आदिवासियों का फ़ायदा उठाते हैं, आदिवासी ज़मीन का फ़ायदा उठाते हैं और हमें उनका भनक भी नहीं रखता। तो इसे हमें जागरूक करना है, ऐसे देश के कोने कोने में पहुंचाना है, झारखंड के कोने कोने में पहुंचाना है कि हम जो आदिवासी भाई बहन हैं हम लोग कितने रिच हैं। रिच इन टर्म्स ऑफ नॉट इन मनी, रिच इन टर्म्स ऑफ द लैंड, द नेचर। आदिवासियों को पता नहीं होगा कि वो करोड़पति हैं, क्योंकि जितना ज़मीन जायदाद है हमारे पास, ठीक है उनका भी वैल्यू नहीं है, बट अगर वही कंपनी, अगर कोई कंपनी वही ज़मीन में अपनी प्रॉपर्टी लेती है, फैक्ट्री खड़ा करती है, तो दे कैन अर्न बिलियंस। आदिवासी भाई बहन को जागरूक करने के लिए ये रैली रखा गया है और मुझे चंद्रलिंगा जी ने बोला कि ये चीज़ को आप डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट करके अपलोड भी करें और उन्हें एक हार्ड कॉपी भी दें। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उनका घर का सिचुएशन आप एक बार देख लो और हमारे बॉयज भी। समाज को, अपना पृथ्वी को, अपना धरती को, अपना सारी चीजों को, हक अधिकार को बचाने के लिए आज ये मैं देख रहा हूं। हम लोगों में ये जज्बा आज से 20 साल पहले आ गया था। आज से 20 साल पहले आदिवासी छात्र संघ का निर्माण हुआ था और वो आदिवासी छात्र संघ, आप लोग कॉलेज में नहीं आए होंगे, झारखंड में आदिवासियों की तूती बोलाती थी, झारखंड में आदिवासियों का रोब दिलाता था, झारखंड में आदिवासियों का वजूद दिलाता था, झारखंड आदिवासियों का है ये एहसास दिलाता था। वो खतरा, वो परेशानियां एक बार पहले आ चुकी थी। उसको रोकने वाला, उसको बंद करने वाला, उसकी
जुबान को लोप करने वाला आदिवासी छात्र संघ के वीर हुआ करते थे, आज जब जाम कर दिए पूरे झारखंड प्रदेश। साहेबगंज से 3 बजे रात को हमको फोन आया था, साहेबगंज के बच्चा लोग भी आए होंगे, वो जज्बा हम अभी भी सलाम करेंगे तुम सबको। तुमने समाज को बचाने के लिए उन नापाक इरादा करने वाले, उन आदिवासियों को छीनने लूटने वाले व्यक्तियों का, धूर्तों का कठोरता से जवाब देने वाले साहेबगंज में तिनसुकिया एक्सप्रेस को सबसे पहले बंद कर दिया गया था, और उसके बाद तो धुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और उसके बाद खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला सभी का सभी डिस्ट्रिक्ट बंद हो गया। पार्लियामेंट में आवाज गूंजने लगा क्योंकि गुजरात से दिल्ली जाने वाली सभी राजधानी ट्रेन बंद हुई। पार्लियामेंट के लोगों ने कहा कौन रोका गाड़ी, आदिवासियों ने रोका, कहां का रोका, झारखंड ने रोका, क्यों रोका, एक कुर्मी आदिवासी बनने चाहते हैं इसीलिए रोक दिया, कुर्मी आदिवासी नहीं बनेगा। वहीं पर पार्लियामेंट में इस बात का तय हो गया, पूरा इंटेलिजेंस तय कर दिया, समाज झुकने वाला है, आदिवासी झारखंड से समाप्त होने वाला है, आदिवासी को खत्म करने के लिए, इसी पॉपुलेशन को खत्म करने की साजिश चलना शुरू हो गया है, नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे, कितने भी साल लगेगा, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जब तक तुम्हें ताकत है, शक्ति है, इन सभी कानूनों को पूरा करने के लिए हमारा संगठन को मजबूत करते हुए लड़ना, फाइट करना, आज लड़ के तुम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए प्रदान करना। जितने कानून हम सब विधि विधान डाले हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा, अगर आपको लगता है ना रैली कवर करना बहुत ईजी होता है, तो एक भाई गिम्बल पकड़ा है स्कूटी में, एक भाई स्कूटी चला रहा है और स्कूटी के आगे है, बाकी स्कूटी वाले गिर रहे हैं। राहुल गिम्बल पकड़ा था, बाप सुबह स्कूटी चला रहे थे, संदीप जमशेदपुर में था। रैली कवर कर रहे हो और आपको रैली के गाड़ियों को कवर करना है, तो आप तो ड्राइवर है, बाकी जो बॉय है हमारे वो खिड़की के बाहर है। कौन सी खिड़की? गाड़ी की खिड़की।
ये शॉट का क्रेडिट निखिल को जाता है। हेलो जी, बहुत दिन के बाद याद आया कि हमारा भी यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब में भी अपलोड होगा। ओहो, आज क्राउड आई मीन कर रहे हैं तो प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। अरे ये भी कोपरा से कम है क्या? आपका वीडियोस यूनिक लगता है। थैंक यू। आप मन के अंदर मुझे पहचान लिया। अरे ठीक है, इस मंच पर मंचासीन सम्मानित अतिथिगण भाई को सब्सक्राइब करो और भाई पहचान लिए हैं वो भारी सीन। क्या नाम है बाबा? फुलो फिंगरा। फुलो फिंगरा, ओ यर फ्रॉम कोटी। टाइम दे, दो दिन हो गया बीते हुए, इसके लिए लेके आदिवासी मुर्गी पोस पा रहे, मुर्गी पोसने के लिए दे रहा है लोग, पढ़ने लिखने के लिए नहीं, मुर्गी पोसना। तो आपको भेजना नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन गलती से पार दे दिया था स्पेशल को। पायलट बन गया, 50 करोड़ का हवाई जहाज चला रहा है, 15 लाख बजट मार रहा है। अब कितना होगा आपका? ये धोखा भी चला जाती है हमेशा।